बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ FEI। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एंड इट विल बी द लेक्चर नंबर 8 ऑफ दिस चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो प्यारे बच्चों, आज तक हमने जो मॉडल्स पढ़े हैं, लाइक थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, और हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और इन लेक्चर से जो आज तक हमने डिस्कस किए हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि जो एटम है ये स्फेरिकल इन शेप है, वन पॉइंट। सेकंड कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और न्यूक्लियस एटम के सेंटर पे होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होती है, जिनको एनर्जी लेवल्स या शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन देम। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ भी नहीं, वो चार्जलेस है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। Very easy to say that the number of protons present in an atom is known as its atomic number. So the number of protons in one atom of an element is known as atomic number of that element. And it is denoted by the symbol Z. ये denote किया जाता है, atomic number को denote किया जाता है किससे? Z से। So we can say that atomic number equal to number of protons. Atomic number किसके बराबर है? Number of protons. For example, sodium has 11 protons. Sodium atom में कितने protons होते हैं? 11 protons होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका atomic number क्या है? 11. So it is Z is equal to 11. Z किसके बराबर है? 11. क्योंकि Z represents the atomic number and its atomic number is equal to 11. Carbon has 6 protons. Carbon atom में 6 protons होते हैं, तो इसका मतलब है कि its atomic number is 6. So Z equal to 6. Magnesium has 12 protons. So atomic number is 12 and Z equal to 12. इसी तरह hydrogen का atomic number है 1, क्योंकि उसमें एक ही proton है, तो atomic number represents the number of protons. और एक स्टूडेंट्स में आपको ये पूछना चाहता हूं कि हीलियम एक एटम है, इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं, टेल मी व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, 2, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2 बिकॉज इट हैज 2 प्रोटॉन्स, इसमें 2 प्रोटॉन्स है। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप मुझे आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि लिथियम में 3 प्रोटॉन्स है, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, यू आर राइट टू से इट्स एटॉमिक नंबर क्या है? 3, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम एटम। तो ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन हैज ओनली 1 प्रोटॉन, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, Z equal to 1, Z represents the atomic number. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नोट किया है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
All the atoms of the same element have the same number of protons in their nuclei, and hence they have the same atomic number. Atoms of the same element में इसमें same number of protons होते हैं उसके nucleus में, तो इसका मतलब है कि उसका atomic number same. No two elements can have the same atomic number. दो elements, same दो elements का, यानी एक element, यानी no two elements can have the same atomic number. दो elements का एक ही atomic number नहीं हो सकता है. दो elements या तीन elements का एक ही atomic number नहीं हो सकता है. Atomic number can be used to identify an element. एटॉमिक नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एटॉमिक नंबर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट. ये आइडेंटिटी एक एलिमेंट की है क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो दूसरे एलिमेंट का भी 1 एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता है. सो इट रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट. सो स्टूडेंट्स, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट. क्या एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. अब न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है? न्यूट्रल एटम का मतलब है नॉर्मल एटम. नॉर्मल एटम का मतलब क्या है? जिसमें जिस एटम में नो नेट ओवरऑल चार्ज हो, यानी जिसका ओवरऑल चार्ज जीरो हो. तो जीरो चार्ज का मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो ओवरऑल चार्ज एटम का क्या आएगा? न्यूट्रल. तो ये फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम, दैट मीन्स नॉर्मल एटम, इसमें क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट. जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी एक न्यूट्रल एटम में होते हैं. न्यूट्रल एटम का मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं किया होता. तो ऑब्वियसली उसके पास जितने प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. और ए न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी जो मैंने आपको कहा कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम का एटॉमिक नंबर इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना. तो हम ये भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन ये तभी हम ये पॉइंट यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा कि ये तभी हम कह सकते हैं कि जब न्यूट्रल एटम हो उसमें एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम ये भी कह सकते हैं नंबर जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो ये आपको याद रखना है. तो स्टूडेंट्स और एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि जो जब केमिकल रिएक्शन होती हैं, जब एलिमेंट्स जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन होते हैं वहां पे. इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन होते हैं वहां पे. तो इसीलिए हम तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन जब होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो वहां पे वो क्या आयन बन जाता है. तो आयन में एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है. आयन में एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है. तो एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं एक एटम, वो चेंज नहीं होते हैं. हाउएवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी लॉस्ट और गेन्ड, ये चेंज होता है. लेकिन न्यूट्रल एटम में ये सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. मास नंबर दो, दूसरा जो मैंने टॉपिक में आपकी आपको बोला कि दूसरा क्या है टॉपिक है मास नंबर. मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर.
हमें सम करना है टोटल प्रोटॉन्स को और टोटल न्यूट्रॉन्स को, वो क्या कहलाएगा उस एटम का मास नंबर। सो मास नंबर रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर। मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दिस मास नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए। मास नंबर को किसे डिनोट किया जाता है? ए से, कैपिटल ए से। सो ए इक्वल टू जेड प्लस एन। जेड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मींस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो प्लस एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, कमिट टू मेमोरी दिस इक्वेशन, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इफ यू नो द वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ दिस इक्वेशन, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड। इफ यू नो द ए एंड जेड, देन यू कैन फाइंड एन। इफ यू नो जेड एंड एन, यू विल फाइंड ए। सो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि ए इक्वल टू जेड प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन, सो इट्स मास नंबर इज 23। सोडियम एक एटम है, इसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मास नंबर क्या आएगा? 23, क्योंकि 11 प्लस 12 वी विल गेट ए इक्वल टू 23। ए रिप्रेजेंट्स द मास नंबर एंड 23 इसका मास नंबर है, ठीक है। यहां पे मैंने नोट किया है ये पॉइंट की मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट आल्सो गिव्स अस द एटॉमिक मास। मास नंबर हमें एटॉमिक मास भी एक एलिमेंट का रिप्रेजेंट करता है। सो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास। मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास। मास नंबर आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ ए प्रोटॉन इक्वल टू 1 यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1 यूनिट। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1 यूनिट। क्योंकि हम लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन 1 यूनिट और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 यूनिट, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। सो मास ऑफ ए प्रोटॉन इक्वल टू 1 यूनिट एंड मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 यूनिट। सो मास नंबर किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू 1, क्योंकि ये 1 यूनिट 1 यूनिट है ना इसका, इसीलिए मास नंबर इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास, ठीक है। तो मास नंबर किसके बराबर? एटॉमिक मास के बराबर। तो स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बीच क्या रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं। मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, अभी जो मैंने आपको बोला मास नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास के बराबर। मास नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं लिखना है, ये हमें एटॉमिक मास के बराबर। मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास के बराबर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट सिंबल से करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई एलिमेंट हो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। तो उसके बॉटम पे यानी लेफ्ट साइड सबस्क्रिप्ट एटॉमिक नंबर लिखते हैं, वो हमने जेड से डिनोट किया, और ए उसका एटॉमिक मास या मास नंबर। जेड रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, ए रिप्रेजेंट्स मास नंबर या एटॉमिक मास, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है ए एलिमेंट। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी आपको देता हूं अभी। तो एक्स एक एलिमेंट है, तो जेड इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका मास नंबर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये कार्बन है, कार्बन एक एटम है, एलिमेंट है, उसको हम रिप्रेजेंट, उसकी सिंबल क्या है? सी। तो सी किस रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, एंड दिस सुपरस्क्रिप्ट 12 इट रिप्रेजेंट्स मास नंबर। सो एटॉमिक मास कार्बन का है 12 और उसका एटॉमिक नंबर है 6। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन लिखेंगे, हमें लिखना है H और यहाँ पे 1, ऊपर भी 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका एटॉमिक मास भी 1 यूनिट है।
तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने लिखी, एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, आपको ये करना है। फाइंड एटॉमिक नंबर, एक एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। फाइंड एटॉमिक नंबर इफ मास नंबर इज 23, एक एलिमेंट है उसका आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। अगर उस एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है, 23, मास नंबर इज गिवन 23, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 12, आपको क्या, आपको एटॉमिक नंबर निकालना है और साथ ही इस एलिमेंट की सिंबल भी बतानी है। तो क्या यू आर गिवन 23 इसका मास नंबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है और आपको एटॉमिक नंबर निकालना है। यू नो स्टूडेंट्स दैट मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट ए से करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एन से। सो ए इज गिवन, दैट मीन्स मास नंबर या एटॉमिक मास वो 23 है, तो जेड एटॉमिक नंबर ये हमें फाइंड करना है, ये हमें निकालना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 है, तो जेड विल बी इक्वल टू 23 माइनस 12, इसको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, 23 माइनस 12 यू विल गेट जेड इक्वल टू 11। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अगर आपने एलिमेंट्स याद किए होंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर ऑफ अप टू 50 एलिमेंट्स, ठीक है, वो आपने नोट भी किए होंगे और वो आपको याद भी होंगे, वो याद भी कर रहे हैं। अगर किसी ने अभी तक याद नहीं किया कि वो याद करेगा। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू 11, तो इसका मतलब है 11 किसका एटॉमिक नंबर है, सोडियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसीलिए जब जेड 11 तो इट रिप्रेजेंट्स सोडियम। तो सोडियम की जो सिंबल है वो एन ए है, एन ए नेट्रियम, ठीक है, ये इसका लैटिन नेम है, लातिनी नाम सोडियम का, ये सिंबल है एन ए क्योंकि इसका लैटिन नेम है एन ए नेट्रियम और इसकी सिंबल है एन ए। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। और तो हमने आज क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, और ये न्यूट्रल एटम, ये हम सम अप करते हैं कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और जो मास नंबर रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, एट द सेंटर ऑफ, यानी एट द सेंटर ऑफ एटम, दैट मीन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यार स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये अच्छी समझ में आया होगा, अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी आएगी तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यार स्टूडेंट्स स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।